हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल डॉट इन। आईबीपीएस एफओ 2019-20 का जो एग्जाम है उस इस वीडियो में से पूरा ही डिकोड करते हैं। ओके ठीक है, तो पूरा का पूरा जो एग्जाम था वो कंसेप्ट बेस्ड था और थ्योरी बेस्ड था। ठीक है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम थे और करंट के क्वेश्चन एक दो थे, इतना करंट नहीं था। तो हर साल जैसे आईबीपीएस जो पैटर्न है अपना पिछले साल के अकॉर्डिंग नहीं रखता है, सेम वही इस साल हुआ कि पिछले साल के अकॉर्डिंग पैटर्न नहीं रखा। ठीक है, तो जो टोटल जो लेवल था एग्जाम का वो इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल था। इवन जो मॉडरेट इजी टू मॉडरेट इसीलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे 60 के 60 क्वेश्चन इजी थे, तो कुछ क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे। ओके, तो आईबीपीएस एफओ अगर हम 2018-19 के एग्जाम लेवल की बात करें तो वो इन पूरे चार साल में यानी कि 2016-17 से लेके, ठीक है, 2016-17 से लेके और अभी तक चार एग्जाम जो पैटर्न लगातार आईबीपीएस ने चेंज किए हैं, उसमें 2018-19 का एग्जाम सबसे टफ था जो पिछले साल का था, और इस साल का जो एग्जाम है वो है इजी। और अगर टफ से अगर कोई लेवल पूछे ना, टफ से लेके इजी जाने का लेवल क्या होता है, तो वो इस एग्जाम और पिछले साल के एग्जाम दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा। ठीक है, आपको कोई अगर जो टफ और इजी ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं ये साल का और पिछले साल का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो एग्ज़ाम बेसिक इजी था। ठीक है, जो क्वेश्चन थे वो फैमिलियर थे। ठीक है, और अगर आप मॉक टेस्ट की बात करें तो, ठीक है, तो टोटल अगर सेकंड मॉक टेस्ट की बात करें, अगर मॉक टेस्ट से ही कंपैरिजन करें, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो पैटर्न था वो काफ़ी इजी रखा गया था इस साल, काफ़ी इजी रखा गया था, और सेम एज जो मेंस का पैटर्न रहा है, वो जिसने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं उसको वो क्वेश्चन फैमिलियर ही लगे होंगे और उसका वहाँ पर कॉन्फिडेंस दूसरे के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट में स्कीम्स तो दी ही नहीं थी, एक 19th मॉक टेस्ट में रिवाइज करके डाला था फिर इसमें स्कीम दी थी। यहाँ पे रिवाइज वर्ड लिखा होगा, पहले इसको बिना स्कीम के किसी भी मॉक टेस्ट में स्कीम नहीं दी थी, फिर स्टूडेंट ने काफ़ी कंप्लेंट की, काफ़ी यहाँ पे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद 19th मॉक टेस्ट को दोबारा तैयार किया गया, फिर इसमें स्कीम डाली गई। ठीक है, और 20th में फिर भी कोई स्कीम नहीं थी, सिर्फ एक मॉक टेस्ट में स्कीम दी थी हमने, और वो भी पहले नहीं दी थी, रिवाइज किया इसीलिए दी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मानने लगे कि मॉक टेस्ट आप ज़्यादा इजी दे रहे हो, आईबीपीएस टफ पेपर देता है। लेकिन लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा था उसके बेस्ड पे मॉक टेस्ट बनाए गए थे, जैसा पहले वीडियो में आपको बताया गया था। तो अगर किसी ने पूरी अपनी 100% इंटेंसिटी के साथ 20 के 20 मॉक टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ बेनिफिट मिला ही होगा, उसको 21वां मॉक टेस्ट लगा होगा, क्योंकि ना एग्ज़ाम टफ होता है ना ईजी होता है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है और मॉक टेस्ट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मॉक टेस्ट इजी है मॉक टेस्ट टफ है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम इजी आने वाला है तो मॉक टेस्ट इजी होना चाहिए, अगर एग्ज़ाम टफ आने वाला है तो मॉक टेस्ट टफ होना चाहिए। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, पिछले साल हमारा मॉक टेस्ट बहुत टफ था, एवरेज स्कोर 7-8, 10-12-15 तक जा रहा था। ठीक है, और एग्ज़ाम टफ आया था। इस बार अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 25, 26, 27, 30 ये इतना जा रहा था। तो और अगर टॉप 10 स्टूडेंट की बात करें, उनके एवरेज स्कोर यहाँ पे 56 दिखेगा, मतलब 45 से लेके 57 तक एवरेज मॉक टेस्ट में स्कोर थे। टोटल स्टूडेंट की अगर बात करें तो 1898 स्टूडेंट ने इनरोल किया था सेकंड मॉक टेस्ट, और 20वां जो मॉक टेस्ट था वो 1170 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, और टोटल आईबीपीएस में स्टूडेंट लगभग 6,6500 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए थे, मतलब हर 6 में से एक स्टूडेंट गुरुकुल का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके गया था, और उसको वहाँ बेनिफिट मिला होगा, उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हाई होगा दूसरे के कंपैरिजन में। जो करंट और स्कीम्स रट्टा मार के गए थे उसके कंपैरिजन में उसको क्वेश्चन पूरे फैमिली लगे होंगे और उसको पूरा ही यहाँ पे फ़ायदा उसका जो है वो मिलेगा। और बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ठीक है, तो अगर आप मॉक टेस्ट के जो लेवल के अकॉर्डिंग ही मेंस का एग्ज़ाम था, तो जो मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर रहा था वो 25, 20, 30 इतना रह रहा था, लेकिन एस्पिरेंट ये एवरेज है। एवरेज का मतलब ये है कि जैसे 2 स्टूडेंट हैं तो 2 का हाफ 1, ये हाफ है। ठीक है, कट ऑफ इससे हाई जाएगा, कट ऑफ इससे हाई जाएगा, 25 से कंपेरिजन हाई जाएगा, क्योंकि कट ऑफ में 1/3 स्टूडेंट आगे जाएंगे। अगर अभी 6,6500 स्टूडेंट, ठीक है, अभी मेंस में गए हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू में इसका 1/3 जाएंगे।
ठीक है, तो कट ऑफ भी आगे जाएगा। ये एवरेज है, एवरेज में और कट ऑफ में फर्क रहेगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 1/3 निकलेगी और ये एवरेज था, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ है ये। यहाँ से आप उस अकॉर्डिंग लगा सकते हो, आप पूरे पूरे मॉक टेस्ट में एवरेज देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि एवरेज कितना ज़्यादा जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार जो क्वेश्चन थे किसी के बीच में ऐसे डॉट 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 दिया गया, किसी के स्टार्टिंग में था, किसी में कुछ, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थे वन लाइनर ज़्यादा थे। 10 से 12 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनके 2 से 3 लाइनों में जो कवर किए गए थे, है ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन इतने बड़े नहीं थे। तो यहाँ पे यह पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ऐसी पिग, मतलब फीमेल पिग है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अगर जो वो है कि उसने अभी तक पिगलेट को, मतलब उसके जो है बर्थ नहीं दिया, पिगलेट को बर्थ नहीं दिया, तो यहाँ पे ये पूछा गया था। ठीक है, तो यंग यहाँ पे फीमेल का पूछा गया था इस वाले टेबल में। अगर लाइफ स्टॉक का 25वां मॉड्यूल, लाइफ स्टॉक का जो 25वां मॉड्यूल है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और ये इस साल लाइफ स्टॉक के लास्ट वाले 6 मॉड्यूल बार बार बोला गया था कि लाइफ स्टॉक के लास्ट वाले 6 मॉड्यूल को अच्छे से कवर कीजिएगा, और लास्ट के जो 3 थे उनको पूरा समराइज करके डाल दिया गया था, और प्रिसाइज मॉड्यूल भी दिए गए थे, और एक प्रिसाइज मॉड्यूल, अगर एक सब्जेक्ट को प्रिसाइज किया गया था वो आप एक दिन में आराम से कवर कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे यंग फीमेल का पूछा गया, तो इसका आंसर गिल्ट था, तो इसका आंसर था गिल्ट। इसी टेबल में से 2 क्वेश्चन है, एक टपिंग वाला क्वेश्चन है, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर गिल्ट हुआ। अगला है, ये सबको पता है, ठीक है, मध्य प्रदेश वैसे भी, और डाटा चेंज होने वाला है भी नहीं है, चाहे करंट मानो, स्टैटिक मानो, कुछ भी मानो, ठीक है, मॉक टेस्ट में भी कवर था, FCI में भी कवर था, जो सॉरी FSI में भी, ठीक है, और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी इसका ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेज में कवर किया गया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेफ में पूछता नहीं है, इसमें हाईएस्ट और लीस्ट ही पूछता है। वैसे इसमें क्वेश्चन बनाने जो कितने बना लो, लेकिन इतने नहीं इसमें कोई इंपॉर्टेंट होती है, इसमें नॉर्मल ही वो पूछता है हर साल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन था, इसमें लैक्टेशन का पूछा था कि इनमें से कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसमें लैक्टेशन हाईएस्ट लैक्टेशन दी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ब्रीड आपको बताई गई थी गॉट के, जिनके इकोनॉमिक पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं, वो सभी की सभी आपको ऑप्शन में यहाँ पे मिली है। मालाबरी, तेलीचेरी, ये तो वेटरनरी पर्पज़ है, ठीक है, मीट पर्पज़ के लिए यूज़ होती, तो ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, और बीटल का लैक्टेशन 199 डेज हो गया, ठीक है, बारबरी का 108 दिन हो गया, ठीक है, जमुनापरी का सबसे ज़्यादा 274 डेज सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो जमुना पर ही इसका राइट आंसर था। सिरोही का 175 डेज, ये एवरेज है सबका, ठीक है, ये सबका एवरेज है, और इन सबके एवरेज में से जमुनापुरी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, लाइफ स्टॉक का ये मॉड्यूल नंबर 9 है, ठीक है, इसमें सभी ब्रीड के इकोनॉमिक पैरामीटर्स कवर किए गए थे, ठीक है, और ये प्रिसाइज में भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो बाकी का यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ड्राउट पर्पस के लिए पूछा गया है, उसका आंसर है खिलेरी, ये ऑप्शन वैसे भी आपने करेक्ट लगाया होगा, लेकिन हमने भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ब्रीड बताए थे 10-12 ही इकट्ठे करके दिए थे। ड्राउट वैसे ब्रीड बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 ड्राउट, 3-4 मिल्च और 3-4 ड्यूल पर्पस, बस यही बताए थे, अगर ऑप्शन आएगा तो इनमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र का ब्रीड होता है, बेस्ट ड्राउट पर्पस ब्रीड है ये महाराष्ट्र का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्रो न्यूट्रिएंट का पूछा हुआ है, पोटाशियम इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी कवर था, तो लगभग यहाँ पे आपको इस बार हर मॉड्यूल की वीडियो प्रोवाइड की गई थी। वीडियो जो आपके ऐप, अगर आपने एंड्रॉयड ऐप है तो एंड्रॉयड ऐप में आपने सेव की होगी, ऑफलाइन वीडियो सेव आपके फ़ोन में होगी। ठीक है, अदरवाइज वेबसाइट में ऑनलाइन जो देखी होगी, तो यह लगभग, चाहे ईजी क्वेश्चन है चाहे टफ है, लगभग आपको यहाँ पे कवर मिला है। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट पर्पस, ठीक है, फ्रूट के लिए यूज़ की जाती है। हाँ, ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम इज नाउ नोन एज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये कन्फ्यूज हो गए कि ये पूछा है कि अब उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब उसे क्या कहते हैं, लेकिन पूछा यह गया था कि अब तो उसे ये कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या कहते थे, इसका मीनिंग ये था, क्योंकि काफी स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो गए कि ये पास्ट में पूछा है या फ्यूचर में पूछा है। ठीक है, इसका यहीं पे था। ठीक है, तो यहां पे ये पूछा है कि अब इज नाउ नोन एज, मतलब अब उसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहते हैं, पहले उसे क्या कहते थे, ये था इसका। ठीक है, और ऑप्शन में भी डे एनएलआरएम नहीं था, यहाँ पे डीडीयू ग्रामीण कौशल्या योजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था SGSY। ठीक है, ये मॉक टेस्ट 20 में भी वीडियो में सबसे पहले क्लियर किया गया था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये
आने की पूरी पूरी प्रिडिक्शन की जा रही थी और इसको पूरा ही यहाँ पे क्लियर किया था। और वैसे भी करंट का 17 या 14 कुछ ऐसे मॉड्यूल होगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सी डीजी है जो बैक्टीरियल नहीं है, तो कोकोडियस, ठीक है, ये लाइफ स्टॉक का 23 नंबर मॉड्यूल होगा, ठीक है। तो इसमें से दो क्वेश्चन है यहाँ पे, फूट एंड माउथ का भी यहाँ पे वैक्सीनेशन का पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी लास्ट वाले जो लाइफ स्टॉक के 6 थे उसमें से था। साइंटिफिक नेम की बात कर ले, बोटानिकल नेम पूछा गया था पोमीग्रेनेंट का, ठीक है। अगर पोमीग्रेनेंट का नेम अगर कोई वैसे वैसे तो सबको पता ही होगा, अगर वैसे भी कोई याद रखना चाहे तो देखिए ये यहाँ पे पुनिकिया ग्रेनेटम है, ठीक है। पी जी दो वर्ड इसके पी जी आ रहा है, तो इसके देखिए पी और बीच वाला वर्ड जी, ऐसे भी कुछ इसमें ट्रिक में याद रखना चाहिए रख सकता है, वैसे भी ये ईजी है, ठीक है। आगे यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि अपोजिट सेक्स के जो इंसेक्ट हैं उनके लिए एज ए ट्रैप आईपीएम में यूज़ किया जाता है, ठीक है, आईपीएम में यूज़ किया जाता है। तो ये है फिरोमोन ट्रैप, फिरोमोन ट्रैप यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें वर्टी सोयल का पूछा हुआ था, इसमें वर्टी सोयल का पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें वर्टी सोयल सबसे हाईएस्ट है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे सोयल ऑर्डर है, वर्टी सोयल, उल्टी सोयल, अर्डी सोयल, ठीक है, ये यहाँ पे हैं सभी। तो ये जो है यहाँ पे 1000 हेक्टेयर में डाटा दिया गया, तो यहाँ पे वर्टी सोयल में यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का 10751000 हेक्टेयर एरिया है, ठीक है, वर्टी सोयल का, और महाराष्ट्र इससे आधा है, महाराष्ट्र इससे आधा है। अब ब्लैक सोयल से कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वर्टी सोयल में रेड टू ब्लैक, ठीक है, रेड टू ब्लैक टाइप सोयल इसमें मिलेगी आपको, ठीक है, ज़्यादा ब्लैक मिलेगी, रेड भी मिलेगी और ग्रे टाइप भी मिलेगी, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की सोयल वर्टी सोयल में मिलेगी और हाईएस्ट जो एरिया है वो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ भी करते हैं तो भी आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे देख पाओ, 10751 यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा है और महाराष्ट्र इससे हाफ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा मिल्क के ऊपर है, इमल्सन के ऊपर क्वेश्चन है, इसके बीच में यहाँ पे डॉट डॉट था, ठीक है। तो इसमें जितने ऑप्शन थे इसमें 4 ऑप्शन में ऑयल था, 1 में स्टार्च इन वाटर, ठीक है। तो जो मिल्क होता है इसका राइट आंसर ऑयल इन वाटर होता है, ऑयल जो मतलब इसका बटर फैट जो होती है ऑयली होती है, ठीक है। तो इसमें जो वाटर होता है, ठीक है, वो एज ए डिस्पर्सन फेस में होता है, लेकिन फैट और जो इसकी ऑयल होता है, जो मिल्क जो फैट होती है ऑयली होती है, ठीक है, ये जो होता है ये डिस्पोज फेस में होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके जो है इमल्सन जो है इसका वो है ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप इसका राइट आंसर है। ये भी मॉड्यूल नंबर लाइफ स्टॉक का 25 होगा 26 होगा, यहाँ पे आपको इमल्सन टाइप कवर किए गए थे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन आर आरबी एसओ में भी आया था, मॉक टेस्ट में आपको मिलेगा, सोयल साइंस में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। इसमें एल्यूविएशन का पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है, इसका बी है वो राइट आंसर है, वैसे ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट का पूछा गया था कि इनमें से लेगेटिव जो टाइप है वो कौन सी है, उसका राइट आंसर है इसोगो, ठीक है। ये जनरल एग्रीकल्चर का पहला मॉड्यूल था, इस बार जनरल एग्रीकल्चर भी कवर किया गया था क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो एक प्रेडिक्शन लगाई जा रही थी कि इजी रहने वाला है, तो हर टाइप का यहाँ पे आपको कवर किया गया था, चाहे इजी है चाहे टफ है। गुरुकुल में आपको पिछले 2 साल में चाहे एग्ज़ाम ईजी आ रहा है चाहे टफ आ रहा है, आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि देखिए एन एरिया, सबसे पहले तो एरिया था वर्ड यहाँ पर, एन एरिया असेसिबल टू स्मॉल कॉफ, ठीक है, लैम और पिक बट नॉट टू अडल्ट एनिमल, मतलब वो कोई एरिया जो इनके लिए है, ठीक है, लेकिन अडल्ट एनिमल के लिए नहीं है। टू अनेबल द यंग टू कंज्यूम एडिशनल फीड ऑफ सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट ऑब्टेन, सप्लीमेंट वर्ड वहाँ पे यूज था, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द नर्सिंग इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्रीप। जो क्रीप होता है ये एक टाइप की छोटी सी यहाँ पे बॉडी होती है जिसमें काफ तो अंदर जा सकता है लेकिन बड़ा जो एनिमल है वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिक सप्लीमेंट्री फीड रखा जाता है, ठीक है, इसे क्रीप फीडिंग यहाँ पे बोला जाता है। चलिए यहाँ पे है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का पूछा गया, राइजोबियम इसका राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे वैक्सीनेशन का क्वेश्चन है, ये पहले बता चुका हूँ कि मॉड्यूल नंबर 3 कुछ लाइफ स्टॉक का है ये, ठीक है। इस हाँ इसमें एक बताने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे शीप का पूछा था, शीप या गॉट जो भी था, ठीक है, शीप या गॉट यहाँ पे पूछा था। वैक्सीनेशन फॉर द फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ द शीप इज जनरली कैरिड आउट एन इंटरवल ऑफ, यहाँ पे ऐसा था,
ठीक है। और यहाँ पे जो अगर 6 मंथ इसका राइट आंसर है क्योंकि इंटरवल का पूछा, फर्स्ट जो है वो 3 मंथ में लगा देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे काफ का पूछते या काउ का पूछते तो इसका आंसर 1 ईयर आना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शीप की कंडीशन लगी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें तो पहले ही उसने बता दिया था कि नॉर्थन वेस्टर्न रीजन का कोई इंडिविजुअल प्रोडक्शन हाई क्वालिटी एंड एक्सट्रीमली वाइट हूल, ठीक है, विच इज़ यूज्ड प्राइमरी फॉर द फाइन कारपेट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन कितना ईजी था, लेकिन लैंग्वेज बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन ईजी था। तो नॉर्थन वेस्टर्न होते ही ये तीन तो ऐसे ही गई यहाँ से, ठीक है, तो इसका ये जो है वो फोन पाला ये सीकम से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर था मगरा, ठीक है। ये आपको लाइव स्टॉक के जो शीप यहाँ से शुरू हो रही थी, 7 होगा शायद, हाँ 7 से शुरू हो, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है, और नहीं तो आपको ये जो लाइव स्टॉक का 27th मॉड्यूल है इसमें मगरा का यहाँ पे लस्टेरियस कारपेट क्वालिटी यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे है बनाना वाला, ठीक है, इसमें एग्रोनॉमी प्रैक्टिस यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है, कि इनमें से अगर मेल बर्ड को रिमूवल कर दिया जाए तो क्या बोलेंगे, तो उसे कहें डिनेवलिंग, ठीक है, डिनेवलिंग इसका राइट आंसर था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसमें बताया गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब रिस्पॉन्सिबल है जो येलो कलर इन द मिल्क फैट, ठीक है, तो येलो कलर के लिए होता है कैरोटीन, और वहीं पे वाइट कलर होता तो कैल्शियम, यहाँ पे दोनों ही बताए गए थे, चाहे वाइट का पूछे चाहे यहाँ पे येलो का, लेटेस्ट इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही बताए थे, कैरोटीन येलो का ही यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। ये भी लाइव स्टॉक का 25 होगा या 26 होगा, लाइव स्टॉक के जो 25, 26, 27 ये लास्ट वाले 6 मॉड्यूल रहे हैं, ये काफ़ी इस बार इन्होंने रोल प्ले किया है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल फ्रूट का पूछा गया था, ठीक है, खैर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, इसमें पपाया राइट आंसर है, ठीक है, वैसे भी इस चारों से पता चलता है ये टेम्पलेट है, तो पपाया इसका वैसे भी बन रहा है, लेकिन जनरल एग्रीकल्चर के 15 मॉड्यूल में जो कि पहले बता दिया था कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट लग रहा था, खैर क्वेश्चन ईजी है लेकिन टफ भी आता है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे जो क्वेश्चन लेटेस्ट पूछे जा रहे थे वो पूरा जनरल एग्रीकल्चर में जो है वो कवर किया गया था, जैसे लेटेस्ट नैनीताल बैंक में पीच का आया था कि मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे पीच को क्या बोलते हैं, ठीक है, पलम को, ये सब यहाँ पे कवर किए गए थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया वो बहुत इजी आया, सो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। स्मॉल फार्मर का पूछा गया था 1 से 2 हेक्टेयर, इसे आप इंजीनियरिंग का क्वेश्चन लगा सकते हो, चाहे करंट का, एग्रीकल्चर सेंसेस का लगा सकते हो, जो भी लगा सकते हो, ठीक है। एवरेज गेस्टेशन यहाँ पे बफेलो का पूछा गया था, तो यहाँ पे जो था यहाँ पे सबके जो जितने भी ऑप्शन थे इसमें प्लस माइनस सभी में था, तो इसमें राइट आंसर था 315 प्लस माइनस 5, क्योंकि ये रेंज में होता है 310 से लेके 320, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ने क्वारी भी की थी, क्योंकि गुरुकुल के 2 मॉड्यूल में, एक में 310 कुछ दिया था और एक में 320 दिया था, तो ये दिया था, तो ये काफ़ी क्वारी थी कि 310 को मानना है कि 320 को मानना है, लेकिन देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पे प्लस माइनस करके आपको दिया, क्योंकि वैल्यू रेंज में थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको याद करवाने के लिए यहाँ पे 10 मंथ 10 डेज ऐसे बताया गया था, ताकि आपको याद रहे बफेलो का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो है इसमें हार्मोन का पूछा था कि जो मिल्क लेट डाउन जो होता है कैटल में, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। वहीं पे इसके जो अपोजिट होता है, जो रोकेगा मतलब, ठीक है, वो होता है यहाँ पे एपाइन फ्राइन, ठीक है, ये वाला होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का पूछा हुआ था। सोल स्ट्रेंथनिंग का इंस्ट्रूमेंट का पूछा था, तो इसको तो आप वैसे भी देख सकते थे, अगर आप ऑप्शन देखते तो ये डायनमोमीटर है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो इंजन होता है वहाँ पे जो जो टॉर्क होती है उसको यहाँ पे मेजर करने के ये काम में आता है, तो इसके ऑप्शन से पता चल रहा था, जो हाइड्रो है ये वाटर से रिलेटेड है, थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो अगर आप ऐसे भी लॉजिक लगाते तो इसको वैसे भी आप पेनिट्रोमीटर लगा सकते थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे है बनाना का कि प्रोपोगेशन का पूछा गया था, तो इसका सकर राइट आंसर था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको वन लाइनर इस बार देखने को मिले हैं। हाँ, यहाँ पे फिश का पूछा था, तो कुछ स्टूडेंट का मानना था कि मिसलेनियस से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन प्रिसाइज मॉड्यूल में ये बात कही थी कि आप जो पॉन्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, पॉन्ड मैनेजमेंट, ठीक है, वो पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बार वैसे भी करंट और मिसलेनियस को इम्पोर्टेंस कम जाने वाली थी, तो इसका राइट आंसर महुआ सीड केक, ठीक है, ये 5वां होगा मिसलेनियस का, ठीक है, यहाँ पे ये रहा। चलिए आगे जो है इसमें ब्रॉलर का पूछा है, एफसीआर का पूछा हुआ है,
ठीक है। तो ये ब्रॉलर का मॉड्यूल नंबर लाइव स्टॉक का 15, यहाँ पे वीडियो में भी आपको यहाँ पे पूरा सात मिनट पे पूरा ही एक्सप्लेन किया होगा कि अगर आप ये फॉर्मूला नहीं याद रख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ये वैल्यू याद यहाँ पे ज़रूर रखिए। तो यहाँ पे भी रेंज में करके दिया था, 1.5 से 1.9 करके यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ये वाला, इसका बी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफाइड जो सीड है उसके कलर पूछा था, ठीक है, कि ब्लू कलर है, ठीक है। तो ब्लू कलर का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसमें कैटेगरी कौन सी है, तो सर्टिफाइड सीड इसका राइट आंसर है। चलिए आगे वही थपिंग वाला क्वेश्चन सेम टेबल से, इसमें से दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगला, इसमें रानीखेत डिजीज का लस होता इज द राइट आंसर, ठीक है। ये लाइव स्टॉक का मॉड्यूल नंबर 21 होगा या पोल्ट्री का कोई और मॉड्यूल, जहाँ पे वैक्सीनेशन का टेबल यहाँ पे पूरा ही एक्सप्लेन किया गया था कि डोज नहीं याद रख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता हो कि ये डिजीज के लिए ये वैक्सीनेशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है ये बॉलवॉर्म के ऊपर है, ठीक है, कि बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट है, ठीक है। तो ये जो इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करता है वो किस मतलब कॉटन को जो है इंसेक्ट को कॉम्बैक्ट करने के लिए ये इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करता है, तो वह बॉलवॉर्म, ठीक है, बॉलवॉर्म। चलिए आगे चलते हैं, ये एंटोमोलॉजी में कवर किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में ये पूरा ही आपको वैसे भी समझाया होगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे वीडियो में। तो आगे चलते हैं, आगे ये यहाँ पे है मेथड का पूछा था कि कौन सा ऐसा मेथड है जहाँ पे जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसके स्टबल को, ठीक है, अलाउ किया जाता है स्प्राउट होने में, ठीक है, कि क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसका बचा हुआ जो उसका स्टबल बच गया उसको अलाउ किया जाता है स्प्राउट करने में, स्प्राउट वर्ड यूज था यहाँ पे, ठीक है, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, ता उससे जो है नेक्स्ट क्रॉप है वो बनती है। तो यहाँ पे स्प्राउटिंग वर्ड भी यूज था, कुछ स्टूडेंट स्प्राउटिंग करके आए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर था रटूनिंग, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर में ये भी कवर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता है पैन इंडिया, तो ई नाम इसका राइट आंसर है, करंट का 11th मॉड्यूल था, ठीक है, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है आउट ब्रीडिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ था कि जो एनिमल हैं उनकी रिलेशनशिप नॉट क्लोज हैं, एक दूसरे से क्लोज नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो आता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स हाइब्रिड, हिट्रोसिस आप कह सकते हो, हाइब्रिड कह सकते हो, ठीक है, तो इसे हम यूनिफॉर्मिटी कहेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइव स्टॉक का तीसरा या चौथा मॉड्यूल होगा, यहाँ पे आउट ब्रीडिंग के बारे में बताया होगा, लास्ट में भी आउट ब्रीडिंग कवर की गई थी, और एक ये जो अपना वोक टेस्ट है 15th क्वेश्चन है, ये 15वें मॉक टेस्ट का 15वां क्वेश्चन, यहाँ पे भी आउटब्रीडिंग को कवर किया गया था कि अनरिलेटेड जहाँ पे वर्ड यहाँ पे बोला गया था कि अनरिलेटेड एनिमल, ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप बोला था क्लोज नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आउटब्रीडिंग। तो यहाँ पे गुआवा का पेस्ट का पूछा हुआ था, बोला था गुआवा पेस्ट विच डिपॉजिट एग इन सॉफ्ट स्किन ऑफ राइपनिंग फ्रूट, कि राइपनिंग फ्रूट की सॉफ्ट स्किन में वो एग अपने डिपॉजिट करेगा, तो गुआवा का कौन सा पेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन में जाइए आप, ऑप्शन में सकिंग माउथ बोला है, तो ये तो कोई मतलब ऐसा है नहीं है कि जो ये तो सकिंग टाइप आ गया, मिलीबग भी सकिंग टाइप आ गया, तो दो तो यहाँ पे एलिमिनेट वैसे भी हो गए थे। और अगर आपने जो एंटोमोलॉजी में गुआवा को जहाँ पे पढ़ाया गया है वहाँ पे अगर वीडियो देखीजिए, तो वीडियो में यहाँ पे पूरा ही आपको एक्सप्लेन किया गया था, जैसे फ्रूट फ्लाई है जो राइप एग है, राइप गुआवा है, इसको पूरा ही यहाँ पे पूरा ही जो मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे भी देखिएगा ये आपको 3 मिनट 30 सेकंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब क्योंकि वीडियो में पिक्चर लगाने से बेनिफिट ये होता है कि आपके दिमाग में इमेज बन जाती है कि फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई से इमेज में आपके दिमाग में पिक्चर बन जाती है और उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो पिक्चर इसीलिए वीडियो में ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ले फार्मिंग के ऊपर है, RRBSO में क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। तो जनरल एग्रीकल्चर में कवर किया गया था, मॉक टेस्ट 6 में भी ये कवर किया गया था, तो ये RRBSO में क्वेश्चन आ चुका था, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ये था, ठीक है। आगे जर्मिनेशन का पूछा था, वीट का 85% सीड टेक्नोलॉजी का दूसरा मॉड्यूल, जो सीड के दो क्वेश्चन आए हैं, तीन क्वेश्चन हैं जिसमें से दो आए हैं सीड टेक्नोलॉजी नंबर 2 से। आगे है मैंगो की वैरायटी पूछी हुई थी, ठीक है, कि इररेगुलर बियर कौन सा है, तो वो है केसर, ठीक है। इसको आप तीन को तो आप ऐसे भी इलिमिनेट कर सकते थे, जैसे प्यारी होगा, तोतापुरी होगा, नीलम होगा, क्योंकि ये साउथ साइड के हैं, वैसे प्यारी गोवा साइड में होता है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न इंडिया जो है, ठीक है, ये दो को तो आप ऐसे इलिमिनेट कर सकते साउथ टाइप से, ठीक है, क्योंकि साउथ वाले जितने भी होते हैं वो रेगुलर बियर होते हैं,
अगला जो क्वेश्चन था ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज थी वो बड़ी थी, तो इस बार ऐसे ही किया, जितने क्वेश्चन इजी थे उनकी लैंग्वेज बड़ी थी। तो इसकी लैंग्वेज में ये था कि एग्रोनॉमिकल इनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप इम्पैक्ट होती है। तो इसकी स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी से था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप इम्पैक्ट प्रिवेंट सोयल इरोजन एंड इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रूव सोयल प्रोफाइल एंड क्रॉप यील्ड। तो यहाँ पे तीन चार यहाँ पे कंडीशन बताई गई थी। वैसे तो इसको पढ़ते ही आपके मल्च दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि जो वेलोसिटी, जो रेन ड्रॉप है उसका जो मोशन है, जिस वेलोसिटी से वो आ रही है, ठीक है, उस मोशन की जो स्पीड है, जो एनर्जी है, उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो रेन ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी है, इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है सॉइल इरोजन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि अगर जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही जो इरोजन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी रेन ड्रॉप की ये वाले एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस से इम्पैक्ट हो जाती है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाता है, और जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है, और सॉइल की प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो जाती है और क्रॉप की यील्ड बढ़ जाती है। तो इसका है मल्चिंग, क्योंकि जो रेन की ड्रॉप है वो डायरेक्ट यहाँ पे सॉइल से टच नहीं होती, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है मल्चिंग। चलिए आगे, कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर था, ठीक है, मॉक टेस्ट 3 में दो क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन जो वर्कर है उनके लिए होता है, ठीक है, फील्ड लेवल के जो वर्कर होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पे पूछा गया था कि कृषि विज्ञान केंद्र इज एन इनोवेशन साइंस बेस्ड इनिशिएटिव एस्टेब्लिश्ड mainly to impact vocational training to farmer and field level extension worker, ठीक है। तो field level extension worker को, farmer को vocational purpose पे train करने के लिए, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र को बनाया गया था। तो function उसका जो theme थी वो पूछा गया था। अगला है, इसमें हमारे nutrient की deficiency पूछी गई थी। ये question easy था, इसमें इतना कुछ था नहीं, क्योंकि हर बार FE के ऊपर एक question वो पूछ रहा है। पिछली बार भी एफ़ई का पूछा, ठीक है, डेफिशिएंसी थी, इस बार भी एफ़ई का, उससे पिछली बार भी उसने पूछा था माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा, जिसमें एफ़ई ऑप्शन में था। तो हर बार एफ़ई उसका मतलब रहा ही रहा है, आयरन उसका आंसर मतलब एक रहा ही रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इंटरवेनियल क्लोरोसिस का पूछा था ऑन यंग टर्मिनल लीफ। तो पहली बार तो यंग टर्मिनल लीफ आते ही मैग्नीशियम तो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था कि लेटर इट शो ऑल वेन्स रिमेन्स ग्रीन विद येलो बैकग्राउंड, विद येलो बैकग्राउंड। यहाँ पे अगर MN होता, तो MN की अगर आपने डेफिशिएंसी पढ़ी है, सोयल साइंस का मॉड्यूल नंबर 3 होगा या 2 होगा, ठीक है, वहाँ पे अगर पढ़ी है तो वहाँ पे स्पॉट लिखा है, ठीक है, कि MN का बाकी ठीक है न्यू यंग टर्मिनल लीफ में आएगा, लेकिन स्पॉट्स साथ में आएंगे, ठीक है, स्पॉट्स साथ में आएंगे, लेकिन यहाँ पे बोला था कि ऑल वेन्स रिमेन ग्रीन्स। और अगर आपने आयरन की डेफिशिएंसी में ये वीडियो में देखा है, तो वीडियो में ये पिक्चर लगाई गई थी, पहले ये है, डेफिशिएंसी होने के बाद जैसे वेन्स देखिए ये ग्रीन है, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड है वो येलो हो जाएगा। तो अगर आपके पिक्चर भी दिमाग में वो याद रही होगी ना, मतलब अगर आपने देखा भी होगा तो भी आपको ये पता होगा कि हाँ ऐसे है। तो तीन पिक्चर यहाँ पे लगाई गई थी, ये मैम के द्वारा सोयल साइंस पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर को अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि जो वेन्स हैं बाद में वो ग्रीन्स रहेंगी, लेकिन बैकग्राउंड है वो येलो रहेगा। तो यहाँ पे एफ ई करेक्ट आंसर, ठीक है। MN में स्पॉट वर्ड जरूर यूज होगा, क्योंकि MN में स्पॉट साथ में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू का पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू किसी भी क्रॉप में हो, किसी भी क्रॉप में हो, सभी डिजीज की एक बेसिक थीम बता दी थी कि जो जैसे एंथ्रोकोनोज है, बैक्टीरियल कैंकर है, पाउडरी मिल्ड्यू है, जैसे वाइट मिली ग्रोथ ऑन लीफ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे वाइट पाउडरी पैचेस ऑन टेंडर लीफ, तो लीफ में यहाँ पे, ठीक है, और मैच्योर्ड लीफ है, ठीक है, ये टोटली जो है वाइट पाउडरी यहाँ पे आएगा जाएगा, चाहे रोज़ का पूछे चाहे किसी का भी पूछे, यहाँ पे रोज़ की कंडीशन लगा दी थी, लेकिन कोई भी क्रॉप है उसमें वाइट पाउडर जो होगा लीफ के ऊपर वो पाउडरी मिल्ड्यू से ही आएगा। तो इसका राइट आंसर था पाउडरी मिल्ड्यू। वैसे मैं उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ शीट इरोजन, ठीक है, वेयर फिंगर लाइक ग्रूव मिनट ग्रूव आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फिंगर लाइक बोला था कि ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म है शीट इरोजन का, तो इसका राइट आंसर है रिल इरोजन। तो इसका राइट आंसर है रिल इरोजन, इसमें फिंगर टाइप ऐसे जो है स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, ठीक है।
अगला है, अगले में सॉर्गम शूट फ्लाई का पूछा हुआ है। तो एस्पिरेंट शूट फ्लाई, अगर आपको शूट फ्लाई का सिम्टम याद है ना, मेज में शूट फ्लाई आपको करवाई गई थी, ठीक है, तो शूट फ्लाई किसी भी है, चाहे राइस की है, चाहे मेज की है, चाहे सॉर्गम की है, किसी की भी है, उसमें एक कॉमन सिम्टम होता है और वो होता है डेड हर्ट, वो होता है डेड हर्ट, ठीक है, कि डेड हर्ट होगा ही होगा, क्योंकि शूट, देखिए जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है शूट हो गया, नीचे वाला रूट हो गया, ठीक है, तो जो ऊपर का जो शूट है उसका जो सेंटर है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेंटर है ये डेड हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेड हर्ट, कि मतलब ये एज ए टाइप प्लांट का हम हर्ट मानते हैं, ठीक है, तो ये डेड होने से हम इसे डेड हर्ट कहते हैं और ये शूट फ्लाई का सिम्टम होता है, ठीक है, डेड हर्ट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है वो थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये पूछा गया था कि टू स्लोप कट एंड मेड ऑन द शन एंड द शन इज प्लेस्ड इन द वेज क्लफ्ट टंग, टंग वर्ड ही कन्फर्म है यूज था, वेज वर्ड उसमें यूज था, लेकिन क्लेफ्ट का कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यूज था, ये कन्फर्म नहीं क्लेफ्ट यूज था या नहीं था, लेकिन यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर वर्ड भी यूज था, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर वेज ग्राफ्टिंग था, ठीक है, क्योंकि वनीर ग्राफ्टिंग में जो है वो अलग होता है, ये चीज़ मैच नहीं कर रही थी। अगला है, ये सोयल साइंस का क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली क्या पूछा गया था कि अ जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, सबसे पहले क्वेश्चन में अ जियोग्राफिकल फॉर्मेशन विच इज नाइदर पोर्स नोर फर्मेबल, देर आर नो इंटरकनेक्टेड, कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, ओपनली हैंस इट कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर, मतलब ये कुछ एक टाइप की रॉक है कहने का, यहाँ पे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का बोला था, ठीक है, तो इस ये जो एक्यूफ्यूज होती है, एक कॉम्पैक्ट रॉक होती है, यहाँ पे देखिएगा ये रही, ठीक है, ये रही कॉम्पैक्ट रॉक, इसे हम एक्यूफ्यूज बोलेंगे, ठीक है, ये एक्यूफ्यूज होती है, ये कॉम्पैक्ट रॉक इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, और एक्यूक्लाउड होता है वो एज ए क्ले आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एज ए क्ले को बोल सकते हो, क्ले जो है वो एक्यूक्लाउड का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे पूछा था कि ये पोरोस नहीं है, ठीक है, परमेबल नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है और वाटर ट्रांसमिट नहीं होने देगी, तो यह है एक्यूफ्यूज इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ग्रेप का ट्रेनिंग सिस्टम पूछा था, ठीक है, तो जो ग्रेप का ट्रेनिंग सिस्टम था इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग सिस्टम विद लॉन्ग आर्म्स, ओके, गैबल कनेक्टिंग द साइड आर्म्स ऑफ एडजस्टेंट रो आर बेस्ट सूटेड फॉर सीडलेस ग्रेप ट्रेनिंग सिंस दिस सिस्टम पोजेस द एडवांटेज ऑफ बोरो एट द सेम टाइम डू नॉट हैव डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विथ, तो ये इतने बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था वाई एक्सपेंडेड सिस्टम, ठीक है, वाई एक्सपेंडेड सिस्टम, अब कुछ स्टूडेंट का मानना था वाई एक्सपेंडेड नहीं था, लेकिन जो लिंक जनरेट किया गया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप शेयर कीजिए, वहाँ पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने जैसे वाई टाइप इन्होंने भेजा है, वाई एक्सपेंडेड, यहाँ पे वाई एक्सपेंडेड, ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पे वाई सिस्टम जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया था, ठीक है, तो वाई एक्सपेंडेड यहाँ पे, ठीक है, ये रहा वाई शेप, ठीक है, तो वाई एक्सपेंडेड जो था वो ऑप्शन में था और वही इसका राइट आंसर था, क्योंकि ये सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वाई एक्सपेंडेड बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि बोरोड जो सिस्टम नॉर्मली जो बोर सिस्टम फॉलो किया जाता है ग्रेप में वो एक्सपेंसिव होता है, और जो वाई एक्सपेंडेड है ये मानिए कि इसके सेकंड नंबर पे आएगा बोरोड के बाद, क्योंकि बाकी की जो टेलीफोन सिस्टम है इसमें डिसएडवांटेज होती हैं, समर में जाके जो बेरी है वो एज ए सन क्रैक हो जाएगी और कुछ डिसएडवांटेज होती हैं बाकी सभी सिस्टम की, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये एक्सपेंसिव भी कम है लेकिन इसकी डिसएडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पे बोला था कि डू नॉट हैव डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हो, ये रही। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा था व्हेन द कंटेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज स्टिल डिक्रीजिंग बिलोंग द यूटिलिटी पॉइंट इन अ वे दैट वाटर इन हेल्ड वेरी टाइट, कि जैसे वाटर डिक्रीज हो रहा है सॉइल में तो ऑब्वियसली बात है सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे, सॉइल टाइट हो जाएगी, ठीक है, और प्लांट की जो रूट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ जाएगी वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है, तो मे बी एट द स्टेट ऑफ वेपर अराउंड द ड्रिल कोलाइडल द स्टेज इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या विल्टिंग पॉइंट ये दोनों एक ही बात है, एक ही होते हैं, ठीक है, तो ये सोचने के 10वां नंबर में जो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज देखिए मॉइस्चर कंटेंट फॉर ये पूरा ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है लेकिन प्लांट के रूट उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मॉइस्चर थोड़ा सा रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर होता है लेकिन प्लांट के उसके लायक नहीं होता, ठीक है। अगला सिस्टम जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन सही से पढ़ लिया तो इसका आंसर है, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिनके क्वेश्चन में ही उसका आंसर था। देखिए, इन डैश प्लांटिंग बाय ट्री आर प्लांटेड इन फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर इन स्ट्रेट लाइन रनिंग अक्रॉस इन राइट एंगल इंश्योरिंग इक्वल स्पेस बिटवीन रो एंड ट्री विद इन द रो, ठीक है। स्क्वेयर सिस्टम इसका राइट आंसर था, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्री का ट्री टू ट्री और रो टू रो जो स्पेस है वो बराबर है, उनका एंगल एंगल जो है, देखिए राइट एंगल, वैसे भी ये सबका सही ही है जहाँ तक हमें पता है, ये सबका सही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा गया था कि एंटोपैथोजेनिक फंजी का पूछा गया था, ठीक है। एंटमोपैथोजेनिक जो फंजी है, ठीक है, वाइटल रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल कंट्रोल एज ए एजेंट इन बॉलवर्म कॉटन के कंट्रोल में। तो कॉटन बॉलवर्म के रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्यूएरिया बसियाना, ठीक है। ये जो फंजी है इसमें दो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बताएंगे, सेम इसी के ऊपर ही है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डिजीज जो है वो टबाको की, ठीक है, टबाको में डिजीज, ऐसी कौन सी डिजीज है जो टबाको में एफिड के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ककुम्बर वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये है न्यूट्रिशनल के रिलेटेड, एनिमल न्यूट्रिशन में, कि रिलेटेड टू एनिमल न्यूट्रिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले तो अगर एनिमल वर्ड यूज कर लिया तो ऑब्वियसली बात है एग तो आने से रहा, क्योंकि यहाँ पे एनिमल है, ये तो वर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गया, ठीक है। और मिल्क रिलेटेड होता है कैल्शियम के, ठीक है। और अगर आपने सही से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है तो इसका राइट आंसर है डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। चलिए आगे, मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा है ओकरा का 400 मीटर, ठीक है। ये फ्रूट वेजिटेबल का ही पहले भी पूछा था, पहले चिल्ली का पूछा था, ठीक है, उसका भी 400 मीटर था फाउंडेशन सीड का, ठीक है। ये पीएसबी में या आरआरबीएसओ, इन दोनों में से एक एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे ओकरा का पूछा था, ये दोनों ही फ्रूट वेजिटेबल का पूछा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्राउन क्लीनिंग का पूछा था, कोकोनट इसकी ईल्ड इंक्रीज होती है क्राउन क्लीनिंग करने से, ठीक है। पल्सिंग का पूछा हुआ था, केमिकल ट्रीटमेंट टू इंक्रीज द वेज लाइफ ऑफ फ्लावर, ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। आगे था फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हनी बी एंड बी कलोनी, ये क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे कि अगर कोई वीडियो देख के गया होगा हाउ टू अटेम्प्ट मेंस एग्जाम वाली, ठीक है, तो उसमें ये बताया था कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहले पिछले साल में बताया था कि 10 से 12 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एकदम ये लगता है कि ये तो कभी आया ही नहीं पहले, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बी कलोनी का पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड नहीं है, फॉल्स है जो, ठीक है। तो ड्रोन आर प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, राइट है, ठीक है। ड्रोन अनफर्टिलाइज एग से ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वर्कर हनी भी होते हैं वो फर्टिलाइज एग से होते हैं, कि जो क्वीन है, क्वीन जितने भी एग देती है वो दो टाइप का हो गया, एक फर्टिलाइजर एक अनफर्टिलाइज एग, ठीक है। जो अनफर्टिलाइज है उसे ड्रोन बन जाएगा और फर्टिलाइज जो एग है उसे वर्कर भी बन जाएंगे, ये करेक्ट है। अगला था वैक्स मोथ अटैक द कॉम लार्वा स्टेज, ये करेक्ट है। वैक्स मोथ सबसे इसका मतलब हानिकारक मतलब होता है, जिसे हम एज दुश्मन कह सकते हैं ना, ठीक है। और थर्ड इसका है इन एडवर्स कंडीशन क्वीन इज अपग्रेडेड फ्रॉम द वर्कर बी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। कि एडवर्स कंडीशन अगर एक्सीडेंटली कोई भी क्वीन, इसमें जो पूरे के पूरी कलोनी होती है हनी बी की, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरे के पूरे जो वर्कर बी होते हैं वो क्या करते हैं, मिल के एक ग्रुप बना लेंगे और एक लार्वा को डेवलप कर देंगे और उसे हनी बी मतलब बना देंगे, ठीक है। उसमें एक यंगर वर्कर बी को पूरा ही क्वीन बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। और लाइफ स्पान इज डिफरेंट ऑफ ड्रोन वर्कर क्वीन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पे कोमा आ गया। थर्ड था स्वार्मिंग का, ठीक है। तो स्वार्मिंग जो होती है ये यहाँ पे बोला था कि नेचुरल मेथड ऑफ पॉलिनेशन, जो कि रॉन्ग है, ये पॉलिनेशन का मेथड नहीं होता है, ये मानिए कि जो कॉलोनी है उसे रिप्रोडक्शन का मतलब ये मेथड होता है, कॉलोनी का होता है, ठीक है। कॉलोनी का रिप्रोडक्शन का मतलब कि जैसे क्वीन है, ठीक है, वो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी बना देगी, ठीक है, दो कॉलोनी से चार बना देगी,
ठीक है, कि न्यू मतलब जो है अपनी बी को लेके वो अलग पे चली जाएगी और नई कलोनी तैयार कर देगी, इसको हम कहते हैं स्वार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन था तो ये इसका राइट आंसर था, यही फाल्स था, तो फाल्स का यहाँ पे पूछा हुआ था। ठीक है, अगला चलते हैं, यहाँ पे कुछ बताया गया है, ठीक है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है इसका हनी बी का पूरा ही लाइफ साइकिल जो होता है। ठीक है, चलिए आगे है, यहाँ पे पूछा गया था कि टू विच वाइट मुस्कराइडीन रिलेटेड टू। अब वाइट मुस्कराइडीन पता क्या है, जो हमने फंगस यहाँ पे डिस्कस की थी ना, ये वाली बिवोरिया वेसिवाना, इससे डिजीज जो होती है वो वाइट मुस्कराइडीन होती है। ठीक है, ये दोनों ही रिलेटेड हैं, इसका जो वाइट मुस्कराइडीन है वो डिजीज होती है वो बिवोरिया वेसिवाना से होती है, तो ये सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये रहे वाइट मुस्कराइडीन, ठीक है, ये इंसेक्ट डिजीज होती है, इंसेक्ट डिजीज, इसका राइट आंसर है सिल्क वॉर्म। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द सिल्क वॉर्म हैविंग वन साइकिल इन अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिवोल्टाइन सिल्क वॉर्म होता है उनका होता है एक जनरेशन या एक साइकिल जिसे हम कहेंगे एक साल में। ठीक है, जो बायोवोल्टाइन इसका टू हो गया और मल्टी का सेवरल हो गया, इनके तो नाम से भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा था ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर एस्थेटिक और शेडी, ठीक है, एंड डेकोरेटिंग पर्पज इज टेक्निकली कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर था अर्बोरी कल्चर, क्योंकि ये तीनों तो वैसे ही नहीं आने थे, वीटी कल्चर हो गया, ठीक है, ग्रेप्स वाला, ये वैसे भी आपको पता लग गया था, मेरे ख्याल से ये हर किसी का सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे 60 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड था पहली बात तो, ठीक है, इसमें से आप दो से तीन क्वेश्चन आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट के खुद के भी याद नहीं रहते कि उसने क्या ऑप्ट किया था, तो एक से दो क्वेश्चन आप इधर उधर मान सकते हो। ठीक है, ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर था, और जिन स्टूडेंट का स्कोर अच्छा बन रहा है, जिन स्कोर स्टूडेंट का 40 प्लस यहाँ पे स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 60, ठीक है, उनको है कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी रहिए। ठीक है, हम आपके इंटरव्यू में भी साथ हैं, गुरुकुल आपके इंटरव्यू में भी साथ रहेगा, आपको बैंक तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है, बैंक तक छोड़ के आएंगे, और साथ में जो अभी है, अभी आप थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, क्योंकि आपने बहुत स्टडी किया, बहुत मेहनत की है, 5-7 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, सो आप पूरा इंजॉय कीजिए अपने डे को, जो अभी 3-4 दिन है पूरे इंजॉय कीजिए, उसके बाद जम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो इंटरव्यू की भी आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और जिन स्टूडेंट को आंसर की देखने के बाद ये लग रहा हो कि मेरा होगा नहीं, या होगा तो मैं बिल्कुल कट ऑफ के बॉटम लेवल पे हूँ, कुछ ऐसा लगा हो, तो वो प्लीज़ इसे भूल जाइएगा, ये सोचिएगा 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हैं, ताकि आपका मन लगा रहे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 5 से 6 दिन आप पूरा ही इंजॉय कीजिए, और जो स्टूडेंट इसे नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए 2020-21 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप इसका जरूर एनालिसिस लीजिएगा, लेकिन इसके बेस पे प्रिपरेशन ये मत सोचिएगा कि IBPS अब जनरल एग्रीकल्चर ही डालने वाला है, ये कभी मत सोचिएगा, पिछले 4 साल के पेपर उठाइएगा और देखिएगा हर साल कैसे पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट वन डायरेक्शन सोचता है, हमेशा समझिएगा, अगर कोई स्टूडेंट वन डायरेक्शन सोचता है, IBPS उसे बाहर निकालता है, से बाहर निकालता है, वन डायरेक्शन इन द सेंस कि अगर उसे लगा कि करंट आ रहा है, ठीक है, IBPS में, तो करंट का इतना रट्टा मारेगा, मतलब उसे ये नहीं देखेगा पिछले 4 से 5 साल में कौन कौन से पेपर आए हैं या लेटेस्ट कौन चल रहा है, मतलब दूसरी तरफ वो नहीं कभी देखेगा, वन डायरेक्शनल अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे यहाँ पे मार जरूर मिली होगी। ठीक है, और हाँ, अगर स्ट्रेटजी की बात करें कि अगर 2020 के लिए 21 के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो गुरुकुल को जब स्टार्ट किया था 17 अगस्त 2018 को जब इसे स्टार्ट किया था, तो एक वीडियो लॉन्च की गई थी हाउ टू क्रैक IBPS EFO, ठीक है, उसमें पूरा ही डिकोड कर दिया गया था, उस वीडियो को देखिए, तो कहीं ना कहीं ये जो 2 साल के पेपर हुए हैं, पिछले साल का पेपर हुआ है, जो इस साल का पेपर हुआ है, वो उस वीडियो के बेस्ड जरूर है। ठीक है, उस वीडियो को देखिए, अपनी कमियों को पहचानिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और जिन स्टूडेंट का अच्छा स्कोर आ रहा है आप इन्जॉय कीजिए, ठीक है, आराम से रहिए, ठीक है, ज़्यादा भी इन्जॉय नहीं करना, आराम से आप रहिए, ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, 3-4 5-7 दिन है, उसके बाद इंटरव्यू पे शुरू हो जाइएगा, और 2020-21 वाले स्टूडेंट को ये एज ए सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप वन डायरेक्शन मत सोचना, ठीक है, कि अभी यही आने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है,
एग्ज़ाम का लेवल चाहे इजी रहे चाहे टफ रहे, ठीक है, गुरुकुल आपके लिए हमेशा हाजिर है, ठीक है। इसीलिए गुरुकुल को बनाया गया था, ठीक है, ताकि लेवल कोई भी रहे, किस टाइप का भी क्वेश्चन रहे, आप उसके फैमिलियर होने ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके फैमिलियर होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होता है, तो कॉन्फिडेंस हाई होने से 2 से 3 क्वेश्चन में आप इजीली लीड कर जाते हो, ठीक है। और क्वालिटी प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी प्रैक्टिस जैसे मॉक टेस्ट में अगर आप मानोगे तो शायद कुछ स्टूडेंट को वो क्वालिटी नहीं लग रही थी, लेकिन वो 20 जो मॉक टेस्ट थे, ठीक है, उससे आपको क्वेश्चन फैमिलियर लगे, ठीक है। तो क्वालिटी प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई गई थी, सिर्फ 20 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाए गए थे, ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस अगर टफ दिया जाता तो यहाँ पर आपका मोरल डाउन हो सकता था। और यहाँ पर अगर आप पेपर देने जा रहे हो और पेपर ईजी आ रहा है तो आप इजी क्वेश्चन को भी ऑप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले ही आपका लूज हो गया होता है। और लास्ट ये जो क्वेश्चन है अर्बोरिकल्चर का, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि ये जो बना है शेप बनी है ये किससे रिलेटेड है, थोड़ा सा सोचिएगा, हो सकता है आपको आपका आंसर मिल जाए। ये लास्ट एक गुरुकुल के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये देखिएगा ये जो शेप बनी है ये किसके रिलेटेड है, मतलब ये क्या है, ठीक है। ये इतना बता देता हूँ ये गुरुकुल से रिलेटेड है, छोटी सी यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, लेकिन क्या है, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट हमारा वीडियो हुआ, ये ख़त्म हुआ, ठीक है। एंजॉय करते रहो, ठीक है, आराम से रहिए, ठीक है, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए, आराम से रहिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।